नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके टैक जोन। वीके टैक जोन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप पबजी गेम को आपके एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पबजी जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही बड़ा है। ये 1.5 GB का है। इसको डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको आपके मोबाइल का बहुत सारा डेटा आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करके आप आपके किसी एक फ्रेंड के मोबाइल में अगर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ये गेम, तो आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो मोबाइल हैं। मेरे एक मोबाइल में इसमें पबजी गेम डला हुआ है, एक में गेम डला हुआ नहीं है। तो मैं इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करके वैसे ट्रांसफर करूँगा। तो चलिए मैं इस पर सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो इसका सेटअप है वो बहुत छोटा सेटअप है, और ये जो आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आप एप्लीकेशन को सपोर्टिंग फाइल वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ये 40 MB का पबजी गेम है, ये ट्रांसफ़र हो गया है। अब इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको ओपन किया है तो ये जो गेम है ये रन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड फेल बिकॉज यू हैव नॉट परचेज दिस ऐप। तो इसके लिए आपको जो इसकी कुछ फाइल्स है, इसकी सपोर्टिंग फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी जो सपोर्टिंग फाइल है ये लगभग 1.5 GB की फाइल है, और या इसको जेंडर के थ्रू जब आपने एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र किया तो ये जो सपोर्टिंग फाइल है ये इसकी ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इन फाइल्स को भी आपके इस मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में आप मूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे यहाँ पे दूसरे मोबाइल में जिसमें इंस्टॉल है, मैं वहाँ पे फाइल में गया, फाइल में फोल्डर्स के अंदर। अब उसके अंदर यहाँ पे एंड्रॉयड नाम से एक फोल्डर है, उस पर क्लिक करना है। फिर OBB जो फाइल है को ओपन करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंसेंट नाम से एक फोल्डर है, उसको ओपन करना है। अब यहाँ पर जो ये फाइल है ये main9630.com है, इसको आपको सेलेक्ट करके इसको भी सेंड करना है जेंडर के थ्रू। आप जेंडर यूज़ कर सकते हैं, या आप शेयर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस फाइल को मूव करने के लिए आप पेन ड्राइव से भी मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे दूसरे मोबाइल में भी ये जो फाइल है, सपोर्टिंग फाइल, ये आ चुकी है। अब हमको जो हमारा फाइल मैनेजर है दूसरे मोबाइल जिसमें हमको इंस्टॉल करना है, उसमें हमको फाइल मैनेजर ओपन करना है। अब जेंडर में जाना है। ये जेंडर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जेंडर ये ना जेंडर को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब उसके बाद अदर में जाके ये जो फाइल है इसको मैं कट कर लेता हूँ, जो 1.44 GB की हो गई, सॉरी 1.44 GB की फाइल जो है, इसको मूव करके मैं इसको एंड्रॉयड नाम से जो फोल्डर है उसको ओपन करना है। OBB जो फाइल, इसको ओपन करना है फोल्डर को। अब .com/tcent को ओपन करना है। अब यहाँ पे हमको पेस्ट कर लेना है। अब हमने इस जो फाइल है, जो इसकी सपोर्टिंग फाइल को भी हमने यहाँ पे मूव कर लिया है। अब हम गेम को प्ले कर ओपन करेंगे कि ये ओपन होता है कि नहीं होता है, और ये प्ले हो जाएगा। ये हमारा गेम प्रोस में इंस्टॉल हो चुका है। इसकी जो सपोर्टिंग फाइल है वो भी आ चुकी है। मैं आपको इसका स्पेस बता देता हूँ एप्लीकेशन में। ये देखिए पबजी गेम 1.69 GB का ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में आ चुकी है। वैसे आप नॉर्मली अगर जेंडर से आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सिर्फ सेटअप आता है, इसकी जो सपोर्टिंग फाइल है वो इसमें डाउनलोड होकर नहीं आती है। मैं इस गेम को ओपन कर लेता हूँ, प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। पबजी मोबाइल को मैं ओपन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कोई एरर नहीं आया है, डाउनलोडिंग फेल ऐसा कुछ भी यहाँ जो ये पहले रन नहीं कर रहा था। अब आप देख सकते हैं कि ये लोडिंग हो रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट। अब ये जो हमारा गेम है ये रेडी है दूसरे मोबाइल में भी यूज़ करने के लिए। तो इसी तरीके से आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पबजी मोबाइल एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीके टैक जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।